तो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्सिट्यूशनसी के सर में दोस्तों मैं चंद्रफुल कुमार और आज की इस वीडियो में हम समाकलन का वो टाइप लेकर करके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पाँच नंबर में पूछे जाते हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए तो चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है आप पूरा देखिएगा और बिल्कुल समझ में आने वाला है देखिए यही प्रश्न है चलिए हम लोग शुरू करते हैं ध्यान दीजिएगा इतना बराबर ये बराबर ये साबित करना है यानी ये तीनों आपस में बराबर है यही हमें प्रूफ करना है आइए समझते हैं इसको जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं आई बराबर लेट्स माना कि जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वेशन एक एक इसको मान लिया फर्स्ट इसको इक्वेशन का हमें क्या मान है फर्स्ट मान है ध्यान दीजिएगा अब हम लोग आगे जीरो से पाई बाई टू यदि जीरो से पाई बाई टू रहता है तो जहाँ पर एक्स रहता है ना वहाँ पर हम लोग पाई बाई टू माइनस एक्स करते हैं फॉर्मूला से तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स है तो एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स अब देखिए जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा यानी कॉस एक्स डी एक्स चलिए जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स यानी इतना बराबर इतना तो साबित हम लोग कर चुके हैं अब हमें क्या और साबित करना है कि माइनस पाई बाई टू लॉग टू आइए हम लोग इसको भी साबित करते हैं ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग किस्म मान लेते हैं सेकेंड अब लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड से यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा जोड़ देंगे तो, तो देखिए यहाँ पर भी आई होगा तो एल एच को एल से जुड़ेंगे तो टू आई होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स अब क्या हो जाएगा यहाँ पर टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू ध्यान दीजिएगा दोनों में लिमिट सेम है हम लोग दोनों में लिमिट कॉमन कर लिए अब इसको इसको जोड़ देना है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और जो है डी एक्स डी एक्स दोनों में है इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं डी एक्स अब हम इसको क्या कर सकते हैं टू आई बराबर ज़ीरो से पाई बाई टू ध्यान दीजिएगा लॉग ए प्लस बी है लॉग ए प्लस लॉग बी तो अगर जोड़ में रहे तो एक बुना में हो जाता है तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स गुना कॉस एक्स इतना कर सकते हैं डी एक्स अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो यहाँ से देखिएगा तो टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू ये काम करते हैं जो एंगल आप लोग देख रहे हैं लॉग के बाद साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसमें हम लोग दू से गुना कर देते हैं अपना मन से और से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा लॉग इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा टू दूसरे गुना किए दूसरे भाग किए एंगल में देखिए एंगल में दूसरे गुना यहाँ पर किए दूसरे भाग कर दिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर चलिए ठीक है डी एक्स अब क्या हो जाएगा चुआई बराबर जीरो से पाई बाई टू लॉग टू साइन एक्स इंटू कॉसिक्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि साइन टू एक्स होता है क्या होता है साइन टू एक्स और बट्टा नीचे क्या है ये टू है ये हो जाएगा डी एक्स ध्यान दीजिएगा जब बट्टा में होता है तो हम लोग इसको घटावा में लिख सकते हैं जैसे टू आई बराबर जीरो से पाई बाई टू लोग साइन टू एक्स अब बट्टा में है तो भाग में कर देंगे तो हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स अब हम लोग क्या करते हैं इसको टू आई बराबर इसको मान लेते हैं आई वन इसे क्या मान लिए यहाँ से यहाँ तक आई वन मान लिए है और माइनस इसको देखिए जीरो से पाई बाई टू अच्छा लॉग टू डी एक्स इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड अब आते हैं चलिए अब बोर्ड साफ़ करते हैं आप इतना आराम से नोट कर लीजिए मैंने कुछ साफ कर दिया है बाक़ी आप लोग पीछे से वीडियो करके देख लीजिएगा चूँकि बोर्ड पूरा भर चुका था चलिए आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर टू आई बराबर तो देखिए इतना बराबर हमने आई वन मान लिया तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट को भी छोड़ दिया है चूंकि अब यहाँ के बाद हल कर रहे हैं यहाँ के बाद लिखेंगे यहाँ से चूकी यहाँ के बाद आपको भी लिखना है आई वन बराबर हम लोग अब इसको हल कर ले रहे हैं इसकी जगह पर मान रख देंगे हल करने के बाद ज़ीरो से पाई बाई टू लॉग साइन टू एक्स डी एक्स माना कि माना कि टू एक्स बराबर टी ये जो टू एक्स आप देख रहे हैं इसको हमने मान लिया टू एक्स बराबर टी तो इसको डी सी करेंगे तो टू डी एक्स बराबर डी टी होगा तो डी एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको डी टी बाई टू अब देखिए जब आप एंगल को चेंज करते हैं यानी डी एक्स को डी टी में आप चेंज कर देंगे तो आपको लिमिट भी चेंज करना होगा तो लिमिट देखिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नीचे का मान रखेंगे एक्स के जगह पर तो एक्स का मान यहाँ पर रखेंगे जीरो तो टी का मान पहला क्या मिलेगा ज़ीरो तब क्या हो जाएगा आई वन बराबर जीरो जीरो से क्या हो जाएगा देखिए लिमिट चेंज कर रहे हैं तो जीरो यहाँ पर रखेंगे तो टी का मान मिलेगा जीरो तो इसके जगह पर जीरो लिख दिए अब देखिए पाई बाई टू रखेंगे एक्स के जगह पर तो एक्स के जगह पर पाई बाई टू रखेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा टू टू कट जाएगा टू टू कट जाएगा बचेगा केवल पाई तो पाई हो जाएगा अब देखिए यहाँ लॉग साइन ये टू एक्स बराबर क्या माने थे टी और यहाँ आ गया है डी ए, ए टू डी एक्स बराबर देखिए डी टी बाई टू तो यहाँ डी टी बाई टू हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे आई वन बराबर जीरो से पाई बाई टू देखिए वन बटा टू को आगे ला देंगे वन बटा टू आगे आ जाएगा तो वन बटा टू जब आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा देखिएगा जीरो से पाई बाई अच्छा पाई है तो वन बाई टू आगे आ जाएगा और लॉग साइन टी डी टी हो जाएगा अब एक गुण होता है इसमें कि अगर हम लोग गुणा करते हैं दो से तो लिमिट में दो से भाग कर सकते हैं यानी लिमिट में दो से भाग कर सकते हैं ताकि दो से गुना करना होगा तो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा तो आई वन बराबर से गुना कर दिए तो दो बटा दू हो जाएगा तो लिमिट में दो से भाग करना होगा तो जीरो में दो से भाग करेंगे तो जीरो इसमें दो से भाग करेंगे तो एफ पाई बाई टू हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी इतना हो जाएगा अब हम लोग क्या करते हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे दो से दो कट जाएगा तो आई वन बराबर जीरो से पाई बाई टू देखिए लॉग साइन टी डी टी तो एक गूनधर्म आप पढ़े होंगे कि जहां पर ये टी डी टी देख रहे हैं अगर यहाँ पे लॉग साइन टी डी टी यानी साइन टी डी टी रहता है तो वहां पे आप लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स यानी कि आप टी को एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये गुणधर्म आप पढ़े होंगे तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा जहाँ टी है वहाँ पे हम लोग एक्स रख देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स अब क्या हो जाएगा इतना यानी हम लोग इसको आप ध्यान से जब देखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स तो इतना बराबर क्या है आई आई वन बराबर क्या मिल गया आई मिल गया अब दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर आई वन का मान यानी आई वन का जो है माने थे हम लोग मान रख देंगे समीकरण थर्ड में तो लिखेंगे आई वन का मान का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या हो जाएगा देखिए टू आई बराबर यहाँ पर रखेंगे आई हो जाएगा और माइनस लॉग टू अचर संख्या है तो लॉग टू बाहर आ जाएगा और ज़ीरो से पाई बाई टू डी एक्स तो क्या हो जाएगा आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो टू आई माइनस आई बराबर यहाँ देखिए माइनस लॉग टू है लॉग टू है और डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा लिमिट है जीरो से पाई बाई टू तो ज़ीरो से पाई बाई टू अब इसको आपको हल कर लेना है तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तो यहाँ घटेगा तो i हो जाएगा बराबर माइनस लॉग टू और लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा पहले पाई बाई टू यानी पहले उच्च उच्च मान रखते हैं इसका मान तो ज़ीरो हो जाएगा अब क्या हो जाएगा आई बराबर माइनस लॉग टू और यह हो जाएगा पाई बाई टू तो गुना पाई बाई टू या हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू लॉग टू या आई बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग टू तो यही दोस्तों आपको प्रूफ करना था मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा देखिए आई बराबर माइनस पाई बाई टू लॉग टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू और ये तो दोस्तों यहाँ पर ही साबित कर चुके थे यानी समीकरण सॉरी समीकरण सेकंड में यहाँ पर नहीं समीकरण सेकंड में जो कि व्यवटार आ चुके हैं तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस अपने परिवार का सदस्य बनिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में इसी प्रकार का लेकर के आएंगे तो आज के लिए बस इतना ही जहिंद